प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, पटना से आई हूँ। गुरु जी, जब आप शक्तिपात किए तो जैसे लगा कि कुआं होता है, कुएं के समान गहरा एकदम नीला प्रकाश अंदर आ रहा है, और उसके बाद आपके शक्तिपात करने के बाद जैसे लगा कि भंवर उठता है, जैसे उस तरह का उठ के आज्ञा चक के पास बहुत ही प्रेशर पड़ रहा था और सर के ऊपरी भाग में सुई की तरह बहुत ही चुभन हो रही थी। उसके कुछ ही क्षण के बाद, मतलब एक क्षण भर के लिए अनुभव आया कि सिर्फ गणेश जी का चेहरा दिखता है और उसके बाद वो चेहरा ना एक आँख के रूप में बन जाता है। आँख के रूप में? हाँ, वो दिव्य दृष्टि है आपकी। वैसे भी कुंडली आपके लघु मस्तिष्क तक जाती है, यानी गला फुला। हाँ, पीछे पीछे से वहाँ पर भी दबाव बहुत पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल दबाव होगा। और आपको वो दिव्य दृष्टि दिख रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। ऊपर का क्षेत्र छोटा दिखता है, लेकिन जब बहुत साधना करेंगे तब धीरे धीरे कुंडली ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कुंडली यहीं तक क्यों है, सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग में क्यों नहीं गई। कहने का मतलब, ऊपर का क्षेत्र छोटा दिखता है शरीर में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए साधक धीरे 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 आगे बढ़ता है। आपके सभी अनुभव बहुत अच्छे हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। मुझे इस शिविर में 2 अनुभव आए जी। एक अनुभव मुझे शक्तिपात से पहले आया, उसमें मुझे दिखा कि मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हूँ और मुझे एक बड़ा गोल झूला जो मेले में होता है वो दिखाई दिया जी। और वो झूला घूम रहा था क्लॉकवाइज, यानी समय की सही दिशा में। क्लॉकवाइज? जी, क्लॉकवाइज जी। और मैं दूरी पर थोड़ी खड़ी, मतलब दूरी पर खड़ी थी, झूले से थोड़ी दूरी पर खड़ी जी, पर झूला दिखाई दे रहा था जी 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 जी, और झूला घूम रहा था जी। और गुरु जी, शक्तिपात के बाद मुझे अनुभव आया कि कुछ बर्तन थे, जैसे 2 गिलास, 1 लोटा और 2 थाली, और पीले रंग के थे, तो वो बहुत गंदे थे। मैंने जब बर्तन मांजे तो साफ हो गए, पर आखिरी का जो बर्तन था उसको साफ करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। लगी रहो, कब तक लगी रहोगी? दीदी भी अच्छी तरह से अर्थ मेरे से भी ज्यादा सही सटीक जी जानती हैं और बताती भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने हंस दिया, मतलब मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो, आपका अनुभव जो भी आपके अंदर है या जो भी आप व्यवहार कर रही हैं या व्यवहार करना पड़ रहा है उसके विषय में आपको अनुभव आया, और जो ये है ठीक है। मैं लगी रही, बट मैं साफ करती। हाँ, साफ करती रही, साफ करने में लगी रहो। झूले वाला अनुभव अर्थ में फिलहाल नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। और गुरुजी, शक्तिपात के बाद अनुभूति अच्छी हो रही है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है और आज्ञा चक्र पे क्रिया चलती ही रहती है। जी जी, अच्छी बात है कि आपको शक्तिपात की अनुभूति हो रही है, शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है। धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.